हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन। एक्चुअली कल रात को हम लोग आए थे फिर से एक नए जगह पे कैंपिंग करने के लिए। अभी आप लोगों को पता है कि बीसी में कैंपिंग करने का बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह है। और अभी लाइक यू नो समर जाने वाला है विद इन अ मंथ। सो नेचर के अंदर आपको रहना पसंद है तो बीसी में कैंपिंग करने का तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो नहीं भाई, तो कल जहाँ पे मैं रात को आया, बहुत रात हो गया था कल आने में, ऑलमोस्ट 10 बजे हम लोग आए। और इस पार्क का नाम है मोंग प्रोविंशियल पार्क, है जो कैमलोप्स के पास है। पहाड़ी है, चारों तरफ फॉरेस्ट है, ठीक है। मेरे पीछे पहाड़ है और यहाँ पे एक लेक है। दिस लेक इज़ कॉल्ड निकोला लेक। फिलहाल बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड ऑल, अभी तो बहुत सबको हिजी दिखेगा बिकॉज ऑफ स्मोक, लेकिन अदरवाइज आई मीन वेरी नाइस एक्सपीरियंस। रात को ऐसे स्टार दिखने का मज़ा कुछ अलग है। और यहाँ पे बिल्कुल कोई एनिमल का खतरा नहीं है। लास्ट टाइम मैं गया था मैनिंग पार्क, उसमें तो काफ़ी सारा बियर वार्निंग था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ वार्निंग नहीं है। पहाड़ी रास्ता है सो बात करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। वेरी परफेक्ट प्लेस फॉर कैंपिंग विथ किड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई एनिमल का कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। आप बेजीजा करके अपना टेंट करो और आप सो जाओ। देखिए, दिस इज माय टेंट, एकदम निकोला रिवर के पास। सो वेरी नाइस, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। वैसे एक दिन के लिए मैंने लिया, आज रहना चाहिए था, लेकिन कल मेरा कुछ काम है तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ का खर्चा भी बहुत बहुत ही कम है दोस्तों। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो बीसी में, कोई भी प्रोविंशियल पार्क, $28, $18, $30 ऐसे कुछ लेता है। आप अपना खाना पैक करके ले आओ, जो आप घर में खाते हो आप ऐसा ही कुछ खाना लेके आओ। और आप गाड़ी में भी कैंपिंग कर सकते हो अगर आपका गाड़ी बड़ा है तो। मेरी वाइफ बोल रही थी कि गाड़ी में, ये जो गाड़ी है मेरा एटलास क्रॉस, ये बहुत ही वाइड है, तो बोल रहे थे कि एसी में सो जाते हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो पीछे का रो है इसको अगर मैं फ्लैट कर दूं तो एक काइंड ऑफ बेड हो जाता है, क्वीन साइज बेड के आसपास हो जाता है। लेकिन क्वीन साइज बेड में चार बंदा सोना, मतलब चार लोग सोना, मेरे दो बच्चे हैं, मुश्किल है। तो इसलिए मैंने टेंट कर लिया। और ये जो पॉप अप टेंट है, आपको पता ही है, ये पॉप अप टेंट, इसको लाइक यू नो सेटअप करने में मुझे 2 से 3 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। बट यू सी द एम्बियंस हियर, चारों तरफ फैमिलीज है, चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं और इतना बढ़िया व्यू है दोस्तों। देखिए पीछे माउंटेन से निकोला लेक और यहाँ पे मेरी गाड़ी एंड टेंट, राइट। सो रात को ज़बरदस्त हम लोगों को लगा। तो अगर आप बीसी आते हो या अगर आप कनाडा में हो, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड आप कैंपिंग कीजिए। मैं भी अपने ज़िंदगी में कभी इंडिया में मैंने कैंपिंग नहीं किया था, क्योंकि इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा है, बस कैंपिंग करते टाइम देख लीजिए फ्लश टॉयलेट है या नहीं है। क्योंकि अगर पहली बार अगर आप कैंपिंग कर रहे हो और अगर फ्लश टॉयलेट अगर नहीं है, पिट टॉयलेट अगर है, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप बीसी कैंपिंग के साइट में जाके आप देख सकते हो कि कहाँ पे फ्लश टॉयलेट है, कहाँ पे फ्लश टॉयलेट नहीं है। शावर फैसिलिटीज़ भी है, अगर आपको शावर लेना है। आज तो मैं नहीं लूँगा, मैं घर जाकर रात को शावर लूँगा। बट ऐसे जगह पे आके, मतलब होटल में रहने से अच्छा है आप ऐसे जगह पे बिल्कुल नेचर के बीचों बीच आप रहो, ठीक है। मेरी वाइफ देखिए, वो अभी धूप में बैठी है। हेलो सोमू, हेलो। थक गई है। चाय बनाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद थक गई है। मेरी बेटी खेल रही है। दैट्स ओके, ओके यू प्ले योरसेल्फ। सो एनीवे, सो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आइए, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है कैंपिंग के ऊपर, यू नो, और पूरे कनाडा में, मैं बीसी में हूँ, दैट इज़ फाइन। इसके पहले मैं नोवा स्कोशिया में था, ऑन्टारियो में था, उतना ज़्यादा कैंपिंग नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे लगता है मैंने मिस कर दिया। नोवा स्कोशिया में काफ़ी अच्छा अच्छा कैंपिंग स्पॉट है दोस्तों। केप ब्रिटन के आसपास किसी भी जगह पे आप चले जाइए, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। प्लेस अटलांटिक ओशन के पास बहुत सारी जगह है। तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप कनाडा में आए हो, ऑलरेडी आ चुके हो, डजेंट मैटर 6 महीने आए हो, 3 महीने आए हो, 2 महीने आए हो, कब आए हो, डजेंट मैटर, ठीक है। ये जो पूरा सेटअप है, मैंने इसके पहले भी बोला, ये पूरा सेटअप करने में $200 से $250 की खर्चा है, ठीक है। आपको एक टेंट लेना पड़ेगा, एक पॉप अप टेंट ले लीजिए,
आपको एक स्लीपिंग मैट्रेस लेना पड़ेगा, इन्फ्लेटेबल मैट्रेस लेना पड़ेगा, वो भी 50-60-80 डॉलर्स में मिल जाता है। कैंपिंग चेयर्स आपको 10-10 डॉलर में मिल जाता है, बस दैट्स इट। लेकिन और क्या, मैं तो घर से ब्लैंकेट, पिलो, मैं सब कुछ घर से लेके आता हूँ। मेरा अंदर मिस्टअप है, नहीं तो मैं अंदर दिखाता मैं कैसे सेटअप करता हूँ। तो मैं अपने गाड़ी में सब कुछ लेके आता हूँ, एकदम मस्त अंदर का बिस्तर बनता है और हम लोग रात को और मस्त सो जाते हैं। और घर में ही आप जो खाते हो आप वो वैसे ही कुछ खाना लेके आओ, आराम से अपने पिकनिक टेबल पे बैठ के खा लो। एंड यू नो, रात भर आप स्टार देखो, रात को डार्क स्काई में चारों तरफ अंधेरा, स्टार देखने का मज़ा है, नॉर्दर्न लाइट देखने का मज़ा कुछ अलग लेवल का है दोस्तों। और ये आपको कनाडा में ही मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा कनाडा में मिलेगा। तो अगर आप कनाडा आ गए हो, अगर नोवास्कोशिया में भी, अगर आप हो, किसी भी प्रोविंस में हो, आप देखिए आपके आसपास कहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड है और आप स्टार्ट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी जानना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ जुड़ जाइए। ऐसे कनाडा के ऊपर हर रोज़ मैं अपना छोटा छोटा एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, जो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, अगर आप भी मेरे ऐसे कनाडा में नए नए माइग्रेट किए हो। तो देखते रहिए। थैंक यू। ऑफबीट लोकेशन जस्ट निकोला लेक के पास, ये जो रास्ता जा रहा है, जो हाई रोड जा रहा है, यू नो, ऑसम। और अभी समर के टाइम पे यहाँ पे जो विंड चल रहा है ना, ये पूरा इंडिया जैसा फीलिंग्स आता है। इंडिया में जब समर के टाइम में जब हवा देता है इवनिंग के टाइम में, जो अच्छा लगता है, राइट, तो यहाँ पे भी वैसे ही लग रहा है। अभी तो सुबह का टाइम है, यहाँ पे धूप है, हल्का धूप है, लेकिन बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर यू कैन लाइक यू नो, यू कैन फील द स्मोक। स्मोक के वजह से थोड़ा सा वाइटिस लग रहा है, नहीं तो अदरवाइज इसका कलर कुछ अलग ही आता है। लेकिन ऑसम एक्सपीरियंस दोस्तों, ये मोंग प्रोविंशियल पार्क डेफिनेटली आपको आना चाहिए।